पीसीबी ने कैंप लगाया हुआ है कुछ हमारे जो जूनियर्स है, नए प्लेयर्स है, और जो पुराने भी प्लेयर उनको मिला कि क्योंकि जो जो बिजी नहीं थे जो प्लेयर्स, तो उनके लिए कैंप लगाया हुआ है जो कराची में चल रहा है इस टाइम। जो बिजी थे उनको रेस्ट दिया हुआ है, और अभी तकरीबन 20 से 30 अभी 20 दिन है मेरे ख्याल से, तो इंशाल्लाह उसके बाद तैयारी पकड़ेंगे टेस्ट सीरीज के लिए हमारे बांग्लादेश के खिलाफ। चैंपियन ट्रॉफी का भी अभी दूर है इसके बाद। देखिए जी, बिल्कुल मायूसी होगी, हम भी मायूस थे और हमारी कौम भी मायूस होगी हमसे, क्योंकि जिस तरह एक्सपेक्टेशन थे ये, क्योंकि जब किसी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो उस तरह दर्द भी ज़्यादा होता है, और यही वो हमारी कौम है जो हमें इज्जत भी देते हैं और हमें बर्दाश्त भी करते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो तनकीद है या जो बातें हमारे ऊपर है इस टाइम, तो हम इसके हकदार हैं। ऐसे नहीं कि हम कहें कि नहीं ये सारे लोग गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे हमारी रिजल्ट ही बात करती है कि हमारी कौम हमसे मोहब्बत करे या हमारी कौम हमें बर्दाश्त करे। और अभी तक मैं पर्सनली फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कौम का, क्योंकि पीछे अगर कोई गुस्सा भी है तो सामने आके अब हम पाकिस्तान में आए तो हमें पता चला कि स्टिल हमारे साथ मोहब्बत वैसे ही है, क्योंकि बर्दाश्त किया, समझ में आ सकता ये बात कि हम हार चुके हैं, और ये हारना भी ऐसे था कि हमारी कौम को एक्सपेक्ट नहीं था ये कि हम ऐसे हारेंगे। मगर बहरहाल एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि ये खेल है, और खेल में शायद हमारी जो चीज़ें थी, जो हमारी एजुकेशन था वो उस लिहाज का नहीं था जो दूसरों टीमों ने किया है, तो इस रिजल्ट हमारे पास ऐसे आया रिजवान हुआ। देखिए जब टीम हारती है ना, तो आप किसी जगह को स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि यार हमारी बैटिंग स्ट्रांग थी, हमारी बॉलिंग स्ट्रांग थी, या हमने फील्डिंग बुरी की या फील्डिंग अच्छी की है, क्योंकि जब टीम हारती है तो बहुत सी चीज़ें खराब होती है तो हारते हैं आप। ऐसे नहीं होता कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे, क्योंकि आप एक मैच इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे हार सकते हैं, मगर किसी टूर्नामेंट से बाहर होना तो इट मीन्स के आपकी बहुत सी जगहों पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एट द स्पॉट वो नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं कभी कभार हमारी फिनिशिंग नहीं होता, कभी कभार हमारी पावर प्ले अच्छा नहीं जाता, कभी हमारी डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं जाती, कभी हमारा पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी नहीं जाती, तो ये जब टीमें जीतती जीती है तो एंड स्पॉट पे वो परफॉर्म हो जाता है उसकी वजह से। तो किसी एक जगह पे आप उस पर वो नहीं कह सकते कि यार हमारी क्या गलती थी, मगर हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एज ए टीम हम सारे उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं खेले जो हमारी कौम से हमारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो जर्नलिस्ट डे का आज जो फंक्शन है, और इसमें ज्यादातर बातें यही हुई है कि हमें तासुब में रखा जा रहा है, एक्स वाई जेड जो बातें हमारी हुई। मैं ये समझता हूँ कि इंसान, हर इंसान, हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफीर है, वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता, वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का, जब उससे नीचे बात आती है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि मैं कौन से सूबे से हूँ, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। लोग क्या कहते हैं ना, मिलाओ की परवाह नहीं है, क्योंकि कोई शायद गुस्से में कह रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कौम को हमसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी, मगर शायद वो इस गुस्से में इतने हद तक चला गया होगा कि उसने कहा ये टीम में पॉलिटिक्स था, टीम में मुख्तलिफ चीजें थी। अगर मुख्तलिफ चीजें होती तो इससे पहले तो हम ऐसे आ रहे हुए, मगर ये लोगों की बातें होती है। ये वही टीम है जो अलहमदा पिछले 3-4 साल में सेमीफाइनल भी खेले, हाँ इवेंट नहीं जीत पाया हूँ, सेमीफाइनल के लिए, फाइनल के लिए बहुत ही चीजें खेले। लोग क्या कहते हैं, अरे किस इंसान की अपनी अपनी राय है। और अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान की टीम जो उसमें ज्यादातर लड़के जो इनके सीनियर है, स्पेशल कुछ 2-3 अब रह गए, बाकी तो यंगस्टर ज्यादा आ गए, तो पेशावर में ही खेले हुए, उनके प्लेयरों से अगर आप मिलेंगे तो यकीन करें इस टाइम वो काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं सारे। राशिद भाई से भी इनके बारे में पूछा गया था, राशिद लतीफ से, क्योंकि मैंने स्पेशल उनसे मुलाकात हुई थी, तो अफगानिस्तान के प्लेयरों के बारे में पूछा था। उसने कहा कि हम कभी इसको सामने लाते ना तो उसको चैलेंज देते हैं, अफगानिस्तान को एग्जीक्यूशन पे जाते हैं, इनको चैलेंज सामने रखे रखते हैं, इनको अपनी कौम की चीजें याद दिलाते हैं। वो स्पेशली ये कह रहा था कि मैं इनके सामने इनकी कौम की जो चीजें थी वो सामने ला के रखता था, फिर ये टीम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी सारी, ये टीम इनका खेलना डिफरेंट हो जाता था। मगर इस वर्ल्ड कप में जो खेले हैं बहुत आला किस्म के खेले, यहाँ तक कि इनके अचीवमेंट हम ये समझते थे एज ए प्लेयर कि शायद इससे और भी ऊपर जा सकते थे,